तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज मैं आया हूँ पायरेट्स ऑफ ग्रिल्स में, अनलिमिटेड बफे, और आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट बफेज। आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या वैरायटी मिलती है, वेज और नॉन वेज दोनों की ऑप्शन है, क्या क्या ये आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, और टेस्ट कैसा होने वाला है, क्वालिटी कैसे होने वाली है, यहाँ का एम्बियंस कैसा है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जो पैसे खर्च किए हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी कैसे ले सकते हो, मतलब कि क्या खाओ, कैसे खाओ, ताकि आप अपना पैसा जो है ना उसको पूरा इन्जॉय करो, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये आगे जी पहली फूड आइटम, ये क्या लेके आए हैं? पनीर टिक्का। अच्छा, पनीर टिक्का, ओके, सो नाइस। मशरूम सर। ओके, मशरूम, मशरूम टिक्का है ना। और ये अचारी सोया चाम। अचारी सोया चाम, ओके। तो पहले वेज से स्टार्ट करते हैं ना, चाहे नॉन वेज का भी ऑप्शन चूज किया तो वेज से स्टार्ट होएगा। ओके, अच्छा ये क्या है? ये पोटैटोस। सॉरी, पोटैटोस, ओके। तो ये वेज में टोटल चार आइटम्स स्नैक्स में आएंगे, है ना, राइट। तो चलिए दोस्तों, ये वेज में पहले आया मेरे को, मैंने वैसे नॉन वेज वाली ऑप्शन चूज़ की है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे वेज करो नॉन वेज करो, दैट इज़ अप टू यू। नॉन वेज में भी वेज आपको प्रोवाइड किया ही जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको साथ के साथ कुछ टिप्स भी बताता जाऊँगा ताकि वैल्यू फॉर मनी भी आप पूरी ले सको। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं या पहले यहाँ पे नहीं आए हैं ना। तो यहाँ पे ये देखो एक चीज़ ना, ये आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे इनका जो मेन्यू है। तो वेज और नॉन वेज की दोनों की ऑप्शंस आपको शो हो जाएंगे यहाँ पे, आपको इन एडवांस पता चल जाएगा कि क्या क्या वैरायटी आपको मिलने वाली है ना। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी आप ध्यान में रखना, जो लोग पहले आए हैं उनको तो शायद पता ही होगा ऑब्वियसली, जो लोग पहले नहीं आए हैं मैं उनको बता रहा हूँ, ये ग्रिल के साथ है ना। आप वैसे देखोगे नॉर्मली जो फॉक है वो ये है यूज़ करने के लिए, लेकिन ग्रिल से इसे उतारने के लिए ये चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। नाइस। तो चलिए जी मशरूम से करते हैं, अब वन बाय वन और चीज़ें आ रही है। अच्छा, ये क्या आ गया? सालसा पोटैटो। कौन सा पोटैटो? सालसा पोटैटो। सालसा पोटैटो, ओके, राइट, थैंक यू। तो चलिए भाई साहब इसी से शुरू करते हैं, सालसा पोटैटो से ही शुरू करते हैं। बढ़िया टेस्ट है, क्रीमी है, और ऑब्वियसली हल्का हल्का सा खट्टा भी है, अल्टीमेट टेस्ट है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने नॉन वेज चूज़ किया है तो वेज की ऑप्शन तो मिलेगी मिलेगी, है ना, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं जी मैंने वेज ट्राई नहीं करना है, आप सीधा नॉन वेज से स्टार्ट करना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू। कई बार होता है ना कि हम लोग अगर नॉनवेज शुरू किया है, नॉनवेज चूज़ किया तो वी प्रेफर कि नॉनवेज ही सिर्फ खाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ आपको बता पाऊँ हर चीज़ का टेस्ट कि टेस्ट कैसा है ना। और ये आगे जी एक और चीज़। अच्छा, ये स्वीट कॉर्न। ओह माय गॉड, ये आगे जी स्वीट कॉर्न। और ये तो बड़ी इनकी हॉट सेलिंग आइटम है, मतलब वन ऑफ द यू नो जो फेवरेट आइटम्स हैं उनमें से एक है। तो ये पहले मैं कर रहा हूँ शुरू। अच्छा, ओह वेरी गुड। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये चिकन टिक्का सर। ये चिकन टिक्का, ओके। ये अचारी टिक्का, अतिथि चिकन टिक्का, अचारी टिक्का, मटन सीख कबाब। ओके, मटन सीख कबाब। तो भाई साहब ये है कि जैसे आपने शुरू किया ना खाना, तो आपको आइटम्स एकदम से आना शुरू हो गई हैं। ये असली मज़ा यहाँ पे खाने का। तो ये कर रहा हूँ जी मैं मशरूम टेस्ट। अब नाइस, बहुत बड़े बने हैं, बहुत ही बड़े बने हैं, दोबारा से खा रहा हूँ। वाह,
अल्टीमेट टेस्ट। तो ये करते हैं जी अब टेस्ट क्रिस्पी कॉर्न्स, ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है और मैं यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। वाओ वाओ, वाकई में क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है। ये आगे जी एक और आइटम, ये क्या है भाई साहब? अमृतसरी फिश टिक्का। अमृतसरी चीज़ टिक्का? नहीं नहीं, अमृतसरी फिश फ्राई। अमृतसरी फिश फ्राई, ओके। तो भाई साहब फिश की ऑप्शन भी है जी, अभी आते हैं इसके ऊपर भी। आइटम साथ के साथ आती जा रही हैं। अगर आप कॉर्न्स के शौकीन हो ना तो ये तो ज़रूर ट्राई करना, अगर कॉर्न्स के नहीं भी शौकीन हो ना फिर भी ट्राई करना, टेस्ट इज़ गुड, मुझे पसंद है। और मैं नॉर्मली यही करता हूँ, मैं ना हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, बाकी लिमिट है कितना खा सकते हैं आज देखते हैं। तो चलिए फिश से शुरू करते हैं। अब अगर आप नॉनवेज खाने आए हो ना तो फिर तो आपका टारगेट जो है ना वो नॉनवेज ही होना चाहिए, है ना? तो आप नॉनवेज खा के अपने पैसे पूरे करो। वाओ, फिश बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो मैं बहुत ज़्यादा फिश नहीं खाऊँगा, लेकिन अगर सर्दियाँ होती ना तो मैं इसको ज़्यादा खाता। नाइस, ओह क्रिस्पी है बाहर से, बहुत बढ़िया मैरिनेशन बहुत बढ़िया हुई हुई है, वेरी टेस्टी। ओह वाह, चलिए इसको करते हैं साइड पे। अब थोड़ा थोड़ा हर चीज़ टेस्ट करनी है। अब करते हैं जी टेस्ट ये चीज़ आगे दस्या सीखा सीख कबाब। चलिए जी सीख कबाब को करते हैं टेस्ट। वैसे आपको पता ही है क्योंकि अनलिमिटेड है, आप जो मर्जी जितना मर्जी खाओ, दैट इज़ योर चॉइस, बट आई विल ट्राई कि हर चीज़ टेस्ट करो। ओ वेरी सॉफ्ट, बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। ओह, अगर मैंने हर चीज़ ना टेस्ट करनी होती ना तो मैंने इसको भी ज़्यादा खाना था। सो यू कैन ट्राई दिस, इट इज़ गुड। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ पे ऑब्वियसली मॉकटेल्स वगैरह की ऑप्शन है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की ऑप्शन है ना, वो ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके लिए ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चार्जेस है, मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ यू आर कमिंग टू बफे ना और आपने बहुत सारी वैरायटी है और आपने पूरा पैसा एंजॉय करना है तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि होएगा क्या, कोल्ड ड्रिंक आप यूज़ करेंगे पियेंगे तो उससे क्या होएगा भाई साहब, उससे पेट पहले फिल हो जाएगा। हम लोग आज पूरा फोकस करेंगे सिर्फ खाने के ऊपर, है ना, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक फिर कभी। कॉर्न दोबारा से लिए मैंने, वेरी टेस्टी। चलिए अब करते हैं ये, आई थिंक चिकन टिक्का बताया था इन्होंने, तो आई विल हैव टू पीसेस ऑफ इट, आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी लो। इसको करते हैं जी, चिकन टिक्का इज़ माय फेवरेट, तो ये बढ़िया होना चाहिए, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। ओ बहुत टेस्टी है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ग्रिल के ऊपर है ना सारा साथ के साथ गर्म होता जा रहा है, तो उससे ये गर्म गर्म है तो थोड़ा सा ध्यान से खाना है इसको, बट वेरी टेस्टी, चिकन टिक्का इज़ वेरी टेस्टी, लाजवाब। तो भाई साहब अभी तक जो जो भी टेस्ट किया है ना मैंने, दैट ऑल इज़ वेरी गुड, बहुत टेस्टी है। प्रॉन्स भी मेरे को नज़र आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं टेस्ट करूँगा। और ये क्या चीज़ है, चिकन टिक्का ही है ना ये? ये करते हैं जी अब चीज़ को करते हैं, नहीं ये शायद ये चांप है,
चाम है ना ही? तो चाम को करते हैं जी टेस्ट, और इधर से ये भी ले लेते हैं दोबारा से। ये क्या चीज़ है, मेरे को नहीं भूल गए, ये क्या चीज़ है भाई साहब, ये क्या चीज़ है? ये पोटैटो है ना? हाँ ये पोटैटो है, इसका एक पीस लेते हैं। और ये इधर ले लेते हैं जी एक पीस चीज़ टिक्का का भी, थोड़ी प्लेट भी अच्छी लगनी चाहिए देखने में, प्लेट देखने में अपने आपको जब अच्छी लगती है तो भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो चलिए चीज़ को करते हैं जी टेस्ट पहले। एक चीज़ बताऊँ मज़े वाली, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। सो यहाँ से पता लग रहा है कि क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है, एंड इट शुड बी वेरी टेस्टी आई बिलीव। इसमें पुदीने वाला टेस्ट आ रहा है, वेरी सॉफ्ट, और मैरिनेशन बहुत अच्छे से हुई है। आई कैन से कि यू मस्ट ट्राई दिस। ये आ गई जी चाप, ये भी बहुत सॉफ्ट है, देख रहे हो क्वालिटी, ये स्पून के साथ ही ब्रेक हो रही है। नॉर्मली जो चाप है वो इस टाइप से नहीं होती है। आई कैन से फूड क्वालिटी इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रेशनेस। तो मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे अभी तक जो जो खाया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। वेज में भी और नॉन वेज में भी। यहाँ पे एक चीज़ मैं, जैसे मैंने आपको आपको बोला ना कि कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कोशिश करो अवॉइड करो, है ना। हाँ आप शौकीन हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज मैं आपको ये भी कहूँगा, क्योंकि जैसे ना स्नैक्स में बहुत सारी ऑप्शंस है ना, तो क्या होता है कि पिछली बार मैं जब किसी बफे में गया था ना, तो मैंने स्नैक्स के साथ ही अपना पूरा पेट फिल कर लिया था। जब फिर मेन कोर्स की जब टर्न आई, तो देन आई फेल्ट कि यार मैं, मेरे को भूख ही नहीं है। तो स्नैक्स नो डाउट बहुत टेस्टी है, लेकिन इसको एक लिमिट में रखना आप, क्योंकि बाद में मेन कोर्स पर भी जाना है ना। तो मेन कोर्स में भी मैंने चेक किया, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम्स हैं, वो भी आपको इसके बाद दिखाऊंगा। पहले स्नैक्स खत्म कर लूँ, अभी कुछ और स्नैक्स आने वाले हैं, तो एक एक पीस करके मैं सारा टेस्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। दिस पोटैटो इज रियली गुड। इसका क्रीमी टेस्ट जो है मेरे को बहुत पसंद आया। तो जब तक मैं फिश खा रहा हूँ, दोबारा से टेस्ट कर रहा हूँ, एक और आपको टिप बता दूँ बफे में, ये पाइनएप्पल, ओ नाइस, कर दो यार, इट इज़ माय फेवरेट। अच्छा ये ग्रिल के ऊपर नहीं करते हो आप ना, अदरवाइज प्लेट में करते, लिमिट में रखना बस, एक पीस और दे दो। थैंक यू भाई साहब, ये आ गया जी पाइनएप्पल, इसको करें पहले टेस्ट। इसको टेस्ट करते करते आपको बताता हूँ जो टिप अभी बता रहा हूँ आपको मैं। ये बड़ा सॉफ्ट है यार, ऑब्वियसली सॉफ्ट ही होना चाहिए, लेकिन बाहर से मैं देख रहा हूँ क्रिस्पी किया हुआ है इसको, ये भी शायद ग्रिल के ऊपर तैयार किया गया। ओह कमाल, जो पाइनएप्पल का अपना खट्टा टेस्ट होता है ना, और उसके बाद जब इसकी प्रेपरेशन की जाती है, आप कह सकते हो मेरी जो सबसे फेवरेट फूड आइटम्स है ना, उनमें से ये पाइनएप्पल का जो है ना ये रेसिपी, आई लव इट एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं जब भी ऑप्शन हो तो मैं इसको ज़रूर खाता हूँ। ये एक चीज़ और आ गई है, देखते हैं क्या है। क्या कहते हैं इसको, डम्पलिंग, ओके। अच्छा ये नॉन वेज है, राइट, थैंक यू। ये थोड़ी सी डालो, थोड़ी सी डालो, थैंक यू सो मच। तो भाई साहब ये आ गई एक नई और आइटम, बड़ा गरम गरम लग रही है मेरे को, धुआं निकल रहा है। हाँ मैं जब तक इसको खाता हूँ मैं आपको बताता हूँ एक टिप जो मैं आपको बता रहा था। भाई साहब जब भी बफे में आना हो ना, खास करके इस टाइप के बफे में, आपको पता है ये लग्जरी बफे है ना, आपने अच्छा पैसा स्पेंड किया, बहुत सारे आइटम्स हैं इसका इंजॉय करने के लिए। अगर आप डिनर में आ रहे हो तो कोशिश करो ब्रेकफास्ट और लंच, अगर आप लाइट कर सकते हो ना तो बहुत ही बढ़िया, हल्का सा कर लो। मैंने लंच स्किप किया था, क्योंकि मैं 6 बजे के करीब आया हूँ यहाँ पे, और मुझे पता है यहाँ पे 2.5 घंटे का स्लॉट है, तो 2.5 घंटे मैं एंजॉय करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। तो लाइट करोगे जितना उतना बढ़िया रहेगा, अदरवाइज़ आपने लंच हैवी कर लिया या ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया, तो यहाँ पे आके हो सकता है आप पूरा कुछ एंजॉय कर ही ना पाओ। दैट इज़ माई एडवाइस टू यू, रेस्ट ऑल इज़ योर डिसीजन। वाओ पाइनएप्पल इज़ रेडी ग्रेट। चलिए अब इसको करते हैं टेस्ट, अब मुझे नाम तो भूल गया इसका,
नॉन वेज आइटम है, बड़ी सॉफ्ट है ये, जैसे मोमोज की प्रेपरेशन होती है ना उस टाइप से लग रही है। लेट मी हैव डायरेक्टली विदाउट स्पून और फॉक, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। ये देख रहे हैं कुछ इस टाइप का अंदर से, अंदर इसके चिकन वगैरह, या आई डोंट नो कि चिकन है या क्या है, लेकिन नॉन वेज नाइस। आप कह सकते हो जैसे मैंने आपको जैसे बोला कि जैसे मोमोज होते हैं ना उस टाइप का फ्लेवर है, बट इट इज़ गुड। ओह वाओ नाइस। अरे पास्ता ये बस थोड़ा सा ही टेस्ट ही करेंगे यार, बस एक स्पून थोड़ा सा डाल दो हल्का सा, जस्ट टू टेस्ट इट। देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सो मच। ये और अब इसके बाद कुछ और आना है, कुछ ये हो गया कंप्लीट या कुछ और आना है? वो कितना टाइम लगेगा? वो भी ले आओ फिर। वाइट सॉस पास्ता आ गया जी। ये मेरा वैसे बहुत ज़्यादा कुछ फेवरेट नहीं है, मैंने खाना भी नहीं था, लेकिन सिर्फ आपको टेस्ट बताने के लिए इसको ले रहा हूँ। बड़ा अच्छा बना हुआ देखने में, ब्रोकली वगैरह भी मेरे को साथ में नज़र आ रही है, कुछ और वेजिटेबल्स हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। ओह अभी बताता हूँ आपको पास्ते का टेस्ट। यहाँ का लेग पीस है ना, ये ऑर्डन हो गया या और भी अभी कुछ और है स्नैक्स में? अच्छा विंग्स यही था ना, या विंग्स कुछ और कह रहे हो? अच्छा विंग्स आएंगी इसके बाद। चलिए जी फाइन, थैंक यू सो मच भाई साहब। पास्ता का टेस्ट आपको बता रहा था मैं, पास्ता इज़ रियली वेरी टेस्टी। मुझे वाइट सॉस पास्ता वैसे पसंद नहीं है, लेकिन सीरियसली अब आपको बताऊँ ये मुझे अच्छा लगा, टेस्टी लगा, बहुत बढ़िया। ये आ गया जी विंग्स है ना, कर दीजिए भाई साहब एक पीस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पास्ता बहुत टेस्टी है, स्नैक्स में आपने देखा बहुत सारी आइटम्स आ चुकी हैं, अनलिमिटेड खाओ जितना मर्जी खाओ। ये आ गया जी लेग पीस। अब स्नैक्स इसके बाद मैं ख़त्म करने वाला हूँ, आपको बस इसका टेस्ट बता दूँ, बहुत ज़्यादा हॉट है, बट इन्जॉय करेंगे इसका पूरा, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। वो वेरी ब्यूटीफुल यार, सो इट शुड बी डिलीशियस आल्सो। गर्मा गर्म, ये बहुत ज़्यादा कुछ स्पाइसी नहीं है, जब मैं कहूँगा बड़े माइल्ड से स्पाइसी है इसके अंदर। ये अगर आप सॉस के साथ खाओगे ना तो आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगा, आई बिलीव सो। तो ये कहते हैं जी चिकन विंग्स। ये लास्ट अभी इस स्नैक्स को करेंगे ख़त्म, फिर जाएंगे मेन कोर्स के ऊपर। गुड, ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगा उससे। वो सॉस के साथ खाओगे तो अच्छा है, ये सॉस के बिना भी खाओगे तो यू विल लव इट। ओह वाओ नाइस, वेरी नाइस। तो मैं ये कहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का स्नैक्स में, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया, चाहे वो वेज है चाहे नॉन वेज है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्लेट में रह गया फिनिश करके, फिर चलते हैं जी मेन कोर्स में, देखते हैं चल के क्या क्या है। चलिए मिलते हैं सीधा मेन कोर्स के ऊपर। स्नैक्स ख़त्म करने के बाद ना मैंने तकरीबन 15-20 मिनट वेट किया, उतने में मैंने मंगवाया था ये गोलगप्पे का पानी। गोलगप्पा एक पीस टेस्ट किया और उसके बाद पानी मंगवा लिया, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है ना, तो इससे स्नैक्स थोड़े नीचे चला गया। एक और टिप बताऊंगा आपको, थोड़ा वेट कर लो उसके बाद मेन कोर्स पे जाओ, 15-20 मिनट वेट कर लो, अलाउ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप गोलगप्पे का पानी पी सकते हो, अगर आपको टेस्टी लगता है सिप सिप करके पियो। चलिए अब चलते हैं, प्लेटिंग करते हैं मेन कोर्स की। वो आपको एक लुक भी दे देता हूँ कि क्या क्या आइटम्स हैं मेन कोर्स में, और साथ के साथ प्लेटिंग भी करते हैं। ये सैलेड में अनियन सबसे पहले, इधर कर्ड है, ये
मेंट कर्ड है ना, थोड़ा सा ले लेते हैं इसको। और ये नीचे ये कैप्सिकम वगैरह, ये थोड़ा सा ना टॉट वगैरह, और साथ में ये कॉर्न्स वगैरह, आप लेना चाहो तो ले लो, ऑब्वियसली आपकी मर्जी है। इधर है जी, ये है जी वेज सूप, वेजिटेबल रमन नूडल सूप। अब एक प्रो टिप दे देता हूँ, अगर भूख को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो ना तो सूप थोड़ा सा ज़रूर पी लो। अच्छा तो ये आ गया जी मसाला बिरयानी, ये वेज बिरयानी है। आपको साथ साथ दर्शन करवाता जा रहा हूँ क्या क्या आइटम्स हैं। इधर देखते हैं जी, वो ये पनीर की आइटम है, ये है जी पनीर लबाबदार। ओके, ये एक पीस ले रहा हूँ सिर्फ टेस्ट करने के लिए। और ये आगे जी दाल, ये माँ की दाल है, दाल मखनी, तो ये तो मेरे को लेनी लेनी है। बट क्योंकि इतनी सारी वैरायटी है तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा डालूँगा। और ये आ गया जी इधर कोफ्ता करी, ये है जी भाई साहब देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है पर मैं इसको नहीं लूँगा आज। ये आ गया जी इधर अमृतसरी छोले, ओ वाह, ये कम देखने को मिलते हैं, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं ये। ये इधर आ गया जी, ये है जी भिंडी दो प्याज़ा, अच्छा वेरी नाइस। ये आइटम्स बहुत सारी अलग अलग हैं जी, ये दाल सुल्तानी, ओ वेरी नाइस। ब्रेड में देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा ये सारा वेज सेक्शन है जी, ये इधर राइस है और साथ में आई थिंक कढ़ी पकौड़ा है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये इधर आ गया जी चाइनीज़ के अंदर, ये नूडल्स हैं, आप लेना चाहो तो लो। ये इधर वेज मंचूरियन आ गया, दोनों आइटम्स बहुत बढ़िया लग रही हैं, जैसे नूडल्स भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं अभी देखने में, वो नाइस। बट मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्नैक्स पहले बहुत सारे खा लिए हैं, आपने देखा ही है। ये आ गया जी स्लाइस फिश इन ब्लैक, आज क्योंकि नॉन वेज का मूड है तो ये इसको टेस्ट करते हैं। और ये आ गया जी ये भुना चिकन, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी ज़बरदस्त आइटम्स हैं। इसका मसाला बड़ा टेस्टी होता है, आपको पता ही है ग्रेवी बहुत टेस्टी होती है अगर आपने ट्राई किया है तो। यहाँ पे देखते हैं किस टाइप का मिल रहा है, भुना चिकन, चिकन भुना मसाला था एक्चुअली। और ये आ गया जी इधर मटन रोगन जोश, थोड़ा थोड़ा भी प्लेट में डाल लो ना तो आपको पता ही है प्लेट सारी फिल हो जाती है। मैं एक ही बार में डाल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आपको बताना है सारा कुछ क्या क्या है कैसे है, टेस्ट करके बताना है आपको, अदरवाइज़ आप थोड़ा थोड़ा करके डालो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठा डालना सारा खाना, इकट्ठा ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठा ही डालना है, बट मैं सिर्फ आपको क्योंकि रिव्यू देना है तो इसलिए इकट्ठा डाल रहा हूँ। ये आगे जी बिरयानी में, चलिए इसको करते हैं जी टेस्ट। इसका नाम है मुर्ग परात बिरयानी, बढ़िया लग रही है देखने में बहुत ज़्यादा। वाओ, तो मेरी प्लेट हो गया जी फिल, अब मैं कुछ और डालूंगा तो नहीं, इतना बहुत है, पर देख लेते हैं क्या क्या है। ये आ गया जी इधर चिकन सूप, क्लासिक स्वीट कॉर्न चिकन सूप, एक्चुअली स्वीट कॉर्न चिकन सूप, थोड़ा सा दिखाऊं आपको कैसा है। ओह वाओ भाई साहब, ये ट्राई करने वाली आइटम थी, मैंने देखता हूँ बाद में अगर दिल किया तो करूँगा, वैसे पहले कर लेता तो ज़्यादा बेटर था। इधर आ गया जी, ये आप कह लो सैलड वगैरह, अनियन है, ये इधर क्यूकम्बर वगैरह, और नीचे आप देख लो थोड़ा बहुत मिक्स, तो बहुत बढ़िया अल्टीमेट है। तो चलिए बिरयानी को करते हैं टेस्ट, बिरयानी देखने में अच्छी लग रही है। मुझे ना ऐसा आया टेस्ट जैसे ना वो होती है ना हैदराबादी बिरयानी वगैरह, वैसे वहाँ पे लिखा नहीं हुआ था बट टेस्ट मेरे को बिल्कुल वैसे लग रहा है भाई साहब। ये पहली बाइट ली है मैंने, पहली चीज़ टेस्ट की है और मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी है। वो अल्टीमेट, थोड़ा कर्ड के साथ मिक्स कर लिया इसको, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये आ गए जी अमृतसरी चने, इनके अमृतसरी छोले, बढ़िया बिल्कुल ऐसे टेस्ट आ रहा है नाइस। तो भाई साहब अब करते हैं फिश को टेस्ट, बहुत बढ़िया लग रही देखने में,
मैं बताऊँ ये इतनी सॉफ्ट है ना, ये देखो इस जरा पास आके देखो, ये इतनी इजीली ब्रेक हो रही है, जस्ट सी इट। और ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया, मतलब मुझे अच्छी लगी, हल्की हल्की जैसे मंचूरियन की ग्रेवी होती है ना, कुछ उस टाइप की ग्रेवी है, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। वेरी नाइस, मस्ट ट्राई आइटम। यहाँ आ गया जी भाई साहब इनका चिकन। वो कहते हैं जी मटन, क्योंकि मटन का जो शौकीन है ना, वो सबसे पहले वेट कर रहे होते हैं कि मटन के बारे में बताओ जी, मटन कैसे है। तो मटन का टेस्ट करके देखते हैं। ये हो रहा है जी ब्रेक बड़े आराम से, क्योंकि मटन सॉफ्ट गला हो ना तो उसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो करते हैं इसको टेस्ट। नाइस, बहुत बढ़िया। यू विल लव टू हैव दिस। बड़े माइसेस हैं, गुड प्रिपरेशन, बहुत बढ़िया बना। ओह वाओ, आई विल से यू कि अगर आप मटन के शौकीन हो ना तो इसको थोड़ा ज़्यादा डालना, आपको बहुत पसंद आने वाला है। वेरी नाइस। तो ऑल टुगेदर मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो जो भी टेस्ट किया, ऑलमोस्ट सारा कुछ ही टेस्ट कर लिया, देखा आपने, है ना। तो टेस्ट इज़ गुड, यू विल लव टू हैव। मेन कोर्स में भी आपको मज़ा आने वाला है। अब मैं इसको करता हूँ फिनिश, थोड़ा बहुत और लूँगा जो जो मेरे को ज़्यादा पसंद आया, जैसे कि मटन मेरे को बहुत पसंद आया, फिश मेरे को बहुत पसंद आई। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग बेकर्स की आइटम में, देखेंगे उसमें भी बहुत सारी आइटम्स हैं। आप कह लो कि देखेंगे आइसक्रीम वगैरह अवेलेबल है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट बेकर्स में बहुत सारी आइटम्स हैं। तो चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं उसके बाद। तो आइसक्रीम कर लें जी टेस्ट, ये ऑन द स्पॉट ही आपके सामने बनाते हैं। ये बढ़िया है। कौन कौन सा फ्लेवर है? वनीला एंड स्ट्रॉबेरी, दो ऑप्शंस है ना। तो भाई साहब ये बनाने का आपके सामने देखो, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। यू विल लव टू सी दिस। वाह क्या बात है, ये बिल्कुल ऐसे में जैसे क्रीम सी लगनी शुरू हो जाती है ना आपके सामने, मतलब जो नॉर्मली हम लोग बाज़ार से खाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है देखने में। मैं बस थोड़ा सा ले रहा हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टेकन सो मेनी थिंग्स है, यू नो, जस्ट टू टेस्ट। मनु भाई जल्दी जल्दी बना दो। हाँ देख लो, मतलब बढ़िया लेनी चाहिए, जो भी मैं कस्टमर्स को रिव्यू दूँ आके बोले हाँ ज़बरदस्त चीज़ खिलाई है। अरे ये पहले चॉकलेट डाला, फिर क्या डाला? कैरीमल। ओके ये डाला चोको चिप्स। ओके मतलब अल्टीमेट बनाने वाले हो हैं। अच्छा टूटी फ्रूटी, तो भाई साहब ये एक आइसक्रीम खानी हो ना मार्केट से तो मेरे ख्याल में 100-150 रुपये लग जाता है एक बंदे के लिए, जो मैं समझता हूँ। तो आपको इस पैकेज के अंदर जहाँ पे इतना कुछ मिला है तो वहाँ पे ये आइसक्रीम खाने को मिल रही है साथ में, तो आई बिलीव इट इज़ अमेजिंग। क्या बात है, ज़बरदस्त रोल है। तो ये हो गया जी सर, वो तो ये अनलिमिटेड है ना, जितनी मर्जी खाए बंदा, है ना। मैं बस एक ही ले रहा हूँ मैं, और बड़े प्यार से बना के खिला रहे हो आप, थैंक यू सो मच। इसको करते हैं टेस्ट, और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा डेजर्ट्स के अंदर ना और कुछ दिखाऊंगा बेकर्स आइटम। ये है हलवा, अब मैं सिर्फ आपको रिव्यू करने के लिए, हालांकि मेरा दिल भी बहुत कर रहा है, इसको थोड़ा सा मैं टेस्ट के लिए ले भी रहा हूँ। अब आप बोलोगे आइसक्रीम के साथ इसका क्या यू नो मैच है, फूड ब्लॉगर्स होने के नाते बहुत कुछ करना पड़ता है, और ये गुलाब जामुन भी खाएंगे हम लोग। अब मेरा पेट जो है ना, बस स्टमक इज़ टोटली फिल, जगह नहीं है, बट इतना कुछ यहाँ पे मिल रहा है तो आई कांट स्किप इट। ये देखिए बेकर्स की बहुत सारी आइटम है यहाँ पे, पेस्ट्रीज वगैरह ये काफ़ी कुछ लगा हुआ है, साथ के साथ मैंशनड भी है, एगलेस है ये आइटम्स, और ये फ्रूट में ये क्रीम वगैरह, ये चोको वगैरह कुछ लगा हुआ है जी, ये वॉलनट नटी है, इसको भी ले लेते हैं थोड़ा सा, और ये इधर केक वगैरह भी है इफ़ यू वॉन्ट टू हैव। सो मैनी आइटम्स। अच्छा ये फिरनी भी है इधर,
अब इसको छोड़ दूँ या ले लूँ? अब स्टमक कह रहा है कि मत लो, बट मेरी टंग कह रही है जी ले लो थोड़ा सा टेस्ट कर। तो चलिए इसको मैं टेस्ट करता हूँ जल्दी से। अभी आए हुए यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, 2.5 घंटे का स्लॉट मेरे को मिला था, बहुत कुछ टेस्ट कर लिया आपको पता ही है। अब इसको भी करता हूँ फिनिश, और सिर्फ इतना ही नहीं वीडियो को भी यहीं पर फिनिश करता हूँ। मैं मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है, मैं मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसकी एक निशानी ये भी है, आप आस पास आप देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। आज वीक का फर्स्ट डे है, मंडे है, और मंडे को इतना क्राउड है तो यू कैन इमेजिन, है ना। कोई खास फेस्टिवल भी नहीं है, लेकिन अब देख लो मेरे पीछे बड़ा ज़बरदस्त। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं भी इसको फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह पे। इसका जो एड्रेस है प्लस प्राइस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। टेक केयर जी, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर डे, बाय।